भविष्य में आलू से बन सकती है कैंसर की मेडिसिन। कैंसर के ट्रीटमेंट में चल रहे रिसर्च में बताया गया है कि आलू जैसी सब्जियों में पाए जाने वाले खास केमिकल्स उसके इलाज या उसके ट्रीटमेंट में कारगर साबित हो सकते हैं। रिसर्च में पता चला कि सब्जियों खासतौर पर सोलानासे परिवार के पौधों में बनने वाले केमिकल्स के कैंसर के ट्रीटमेंट की विशेषताएँ होती हैं। इनके ग्लाइको एल्कलॉइड्स केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा बनते हैं। कैंसर के इलाज के लिए कई तरीके के मेडिसिन के विकास पर काम चल रहा है। कई मेडिसिन के बारे में दावा किया जाता है कि कैंसर का इलाज करने में पूरी तरीके से कारगर हैं, तो कुछ की इफेक्टिवनेस के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी बताए जाते हैं। यही वजह है कि कैंसर और हर तरीके का कैंसर के लिए मेडिसिन खोजी जा रही है। अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आलू यानी कि पोटैटो जैसी सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड से बनी मेडिसिन कैंसर के इलाज में काफी इफेक्टिव साबित हो सकती है। नई स्टडी में पाया गया कि आलू टमाटर जैसे सब्जियों में बनने वाले केमिकल्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टडी में पाया गया कि सोलेनॉइस परिवार के पौधों में ग्लाइको एल्केलॉइड्स केमिकल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अपने स्टडी में रिसर्चर्स ने बताया कि दुनिया भर की डेथ्स में कैंसर सबसे सामान्य कारण होता है। साल 2020 में करीब 1.9 करोड़ कैंसर के नए मामले सामने आए और 1 करोड़ मौतें कैंसर की वजह से दर्ज हुई। अगले 20 सालों में कैंसर के मामलों की संख्या 2.8 करोड़ हो जाएगी। अब ग्लाइको एल्केलॉइड्स कैंसर सेल्स के वृद्धि को रोकते हैं और उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं, जो कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र मानी जाती है। इसलिए ग्लाइको एल्केलॉइड्स में भविष्य में ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब भी ऐसी मेडिसिन खोज रहे हैं जो कैंसर के सेल्स के लिए तो मारक हो लेकिन बाकी सेल्स के लिए सुरक्षित हो। अब मेडिसिन में उन्नति होने और शक्तिशाली मॉडर्न ट्रीटमेंट होने के बाद भी या उनके टेक्निक्स होने के बाद भी कैंसर का इलाज खोजना आसान नहीं है। यही वजह है कि बरसों से उपयोग में लाए जा रहे मेडिसिन प्लांट्स की ओर वापस जाकर उन्हें परखना कई बीमारियों के इलाज के में नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। रिसर्चर्स को लगता है कि उनके गुणों को परखना और उनकी क्षमताओं को फिर खोजना फायदेमंद हो सकता है। अब इस स्टडी में 5 ग्लाइको एल्केलॉइड्स सोलेनाइन, चेकोनाइन, सोलेसोनाइन एंड सोलेमेरगाइन और टोमेटाइन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं कि ये ग्लाइको एल्केलॉइड जहरीले या हानिकारक नहीं हैं और डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, भले ही हम आज उपयोग में लाई जा रही एंटी कैंसर मेडिसिन की जगह उनका इस्तेमाल ना कर सकें। हो सकता है संयुक्त थेरेपी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को भी ये बढ़ा दें। रिसर्चर्स का कहना है कि सवाल बहुत हैं लेकिन ग्लाइको एल्केलॉइड्स की प्रॉपर्टीज की विस्तृत जानकारी हासिल किए बिना हम उसका जवाब नहीं खोज सकते हैं। जहां सोलेनाइन कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स को रोकने में कारगर है, तो सोलेजाइन लीवर की कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और इसके साथ ही सोलेनाइन भी कैंसर के स्टेम सेल्स को निशाना बनाता है। इस दिशा में हम कम हानिकारक कैंसर थेरेपीज की खोज के लिए और रिसर्च कार्य करने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।